नमस्कार दोस्तों, एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 से रिलेटेड सभी जोन का डाटा आ गया है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे जोन के बारे में जहां पर रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल होते जा रही है, साथ ही साथ कुछ ऐसे जोन है जहां पे कैंडिडेट उतना रुचि नहीं ले रहा है, सीट भी ठीक ठाक है। और एक चीज पहले बता दूं, हर एक सीट के लिए 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, यानी कि टोटल 84,784 कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों तो कौन सा जोन में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, साथ ही साथ कौन सा जोन में अभी लेटेस्ट कितना फॉर्म फिल हो चुका है, ये बताने से पहले एक चीज बता दूं, ज्यादातर दोस्तों कैटेगरी वाइज ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट यही सोच रहे होंगे कि हम रजिस्ट्रेशन किए हैं जैसे कि बिलासपुर से, तो बिलासपुर से रजिस्ट्रेशन किए हैं और ओबीसी हैं, तो यहाँ पे 150,000 का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 150,000 हो रहा है, तो वो लोग सोचने लगते हैं कि केवल 1.5 लाख फॉर्म फिल हुआ है क्या, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपके कैटेगरी वाइज भी शो हो रहा है, तो ये बात आप जान लीजिए, आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट 7 नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज बता दूं, आप मुझे मेरा मेल आईडी में जरूर एक बार भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट वगैरह मात्र रजिस्ट्रेशन नंबर का, जिससे लेटेस्ट डाटा प्रोवाइड करने में हम लोगों को आसानी होता है। ठीक है, तो देखिए वो कैटेगरी वाइज था, लेकिन मैं आप लोगों को संपूर्ण डाटा बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस एएलपी भर्ती में सबसे पहले आप लोगों को मैं बताने वाला हूं वो जोन है दोस्तों प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में कितना सीट था आप देख सकते हो, 284 सीट है प्रयागराज में, कितना 284 सीट है। अभी तक टोटल फॉर्म फिल हो चुका है दोस्तों 2,80,000 के आसपास, यहां पे फॉर्म फिल हो चुका है 2,80,000 के आसपास फॉर्म फिल हो चुका है, लेकिन इसमें से आप लोगों को 4,290 यानी कि 4,290 कैंडिडेट को ही रिटर्न एग्जाम के लिए सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डाटा मैं बता रहा हूं ना, इससे आप लोगों को तैयारी करने के लिए ज्यादा मतलब उत्साहित हो जाएंगे, मेहनत कर मतलब अपना जो कितना वो है ना लेवल, वो आपको पता चल जाएगा और तैयारी में लग जाएंगे अभी से, क्योंकि ये जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। कॉम्पिटिशन कितना है ये आपको अंदाजा पहले से अगर रहेगा तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों मालदा, तो मालदा में 217 सीट है। ठीक है, 217 सीट है, 217 में से आप लोगों को 3,255 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, लेकिन फॉर्म कितना फिल हुआ है वहां पे हुआ है 1,76,000 प्लस फॉर्म हो गया है। ठीक है, मालदा में 1,76,000 प्लस फॉर्म हो चुका है फिल। ठीक है, आप अगर कैटेगरी वाइज देख रहे हैं तो कृपया करके एक बार 4-5 दोस्त होकर के सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है कोलकाता। कोलकाता में देखिए टोटल आप लोगों को बता दूं 350 सीट है, यानी कि अच्छा खासा सीट है, लेकिन वहां पर फॉर्म की संख्या उतना नहीं है, लेकिन अभी लास्ट डेट चल रहा है। ठीक है, और अभी आज से आप देखे होंगे वेबसाइट उतना स्पीड में काम करना बंद कर दिया होगा, पहले जैसा होता था वैसी, क्योंकि अभी फॉर्म भरने वालों कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होते जा रही है और ये लास्ट डेट तक इतना ज्यादा हो जाएगा हर एक जोन का कि आप सभी को तो पता ही है कि अपने देश में बेरोजगारी का स्तर कितना है, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, तो कोलकाता में दोस्तों टोटल आप लोगों को 5,157 ठीक है 5,157 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जिसमें से अभी तक लेटेस्ट अपडेट तक 2,65,000 प्लस कैंडिडेट का यहां पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका भोपाल डिवीजन, तो 4,260 बच्चों को यहां पे आप लोगों को बता दूं बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए, लेकिन इस 2,284 सीट के लिए लगभग आपका 3,00,000 फॉर्म फिल हो चुका है दोस्तों। ठीक है, भोपाल डिवीजन से। अब इसके बाद आपका आ जाता है अजमेर। अजमेर में 2,25,000 फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है। ठीक है, और देखिए 228 सीट के लिए आप 15 गुना करके आप निकाल सकते हो, तो अजमेर के लिए 3,420 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, किसके लिए सीबीटी 2 के लिए दोस्तों। ठीक है,
अब इसके बाद आ जाता है आपका भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में दोस्तों 2,30,000 फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है, 2,30,000 फॉर्म फिल हो चुका है, लेकिन यहां पे कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 4200 कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आंकड़ा जरूर देखेगा, आपको आपके तैयारी में बहुत ही मदद करने वाली है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों अहमदाबाद। अहमदाबाद भी एक अच्छा जोन है, ठीक है। अहमदाबाद किस लिए अच्छा जोन है, 238 सीट है, लेकिन वहां पे उतना ज्यादा फॉर्म फिल नहीं होता अदर स्टेट के मुकाबले, लेकिन कटअप थोड़ा हाई जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। और अहमदाबाद में 3570 कैंडिडेट ने को बुलाया जाएगा, 3570 कैंडिडेट को आप लोगों को बता दूं बुलाया गया, बुलाया जाएगा, ठीक है। 2,30,000 के आसपास यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुका है, 2,30,000 के आसपास फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों का आ जाता है दोस्तों मुंबई। मुंबई में क्या है, 3,25,000 प्लस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन अभी तक होने का वो हो गया है दोस्तों, लेकिन इसमें बुलाया जाएगा 8,205 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपका बच गया हाईएस्ट सीट में बेंगलोर, सिकंदराबाद, बिलासपुर, रांची, चेन्नई, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताने वाले हैं बेंगलोर डिविजन। 2,80,000 के आसपास आप लोगों का फॉर्म फिल हो गया, लेकिन बुलाया जाएगा आप लोगों को 7,095 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, किसके लिए, CBT 2 के लिए, ठीक है। मैं इसलिए क्लियर करते जा रहा हूं कितना कैंडिडेट बुलाया जाएगा, आप ही सभी को आसान होगा इसके लिए दोस्तों। तो ये तो हो गया मुंबई। अब आपका सबसे ऊपर आ जाता है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में दोस्तों 3,50,000 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार हो गया है और बुलाया जाएगा 11,317 कैंडिडेट को, ठीक है, CBT 2 के लिए। अब आ जाता है सबसे हाईएस्ट सीट। सबसे हाईएस्ट सीट कौन सा है, बिलासपुर, 1,360 सीट के लिए। यहां पे आपको 4,55,000 प्लस, ठीक है, फॉर्म फिल हो चुका है, लेकिन यहां पे 19,740 कैंडिडेट को यहां पे बुलाया जाएगा। 19,740 कैंडिडेट को किसके लिए बुलाया जाएगा, CBT 2। यानी कि आप देख सकते हो आंकड़ा, आप इसी से पता कर सकते हो, इसी के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। क्योंकि देखिए, आपके सामने में जो डाटा है ना, कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसके हिसाब से अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आपका चांस ज्यादा रहेगा। आप रेशियो एक बार निकाल लीजिएगा, ठीक है, एक सीट का। अब आ जाता है दोस्तों आपका रांची। तो रांची में दोस्तों 2,295 यानी कि 2,295 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 153 सीट के लिए, और यहाँ पे लगभग 1,55,000 के आसपास फॉर्म फिल हो चुका है। और चेन्नई, चेन्नई में अभी तक दोस्तों 1,00,000 के आसपास फॉर्म फिल हुआ है इस 148 सीट, यानी कि सबसे कम, अभी सबसे सेफ जोन की अगर हम बात करते हैं तो वो है चेन्नई दोस्तों, ठीक है। चेन्नई, रांची, ये सब सेफ जोन के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि देखिए चेन्नई में अभी तक 1,00,000 के अंतर्गत फॉर्म फिल है, और देखिए 148 सीट है, और दूसरा बात यहां पे भी 2,200, ठीक है, 20 कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ, हालांकि पिछले बार क्या हुआ था, चेन्नई में ज्यादा सीट था तो सब चेन्नई की तरफ रुक किए थे, इससे वजह से कटअप थोड़ा हाई चला गया था। और देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, एक चीज आप लोग अभी या वीडियो के इस सेशन तक पहुंच गए होंगे तो आप सभी को पता होगा, प्रीवियस ईयर का कटअप देखते हैं, दूसरा सीट देखते हैं कि कितना वैकेंसी है उस जोन में, साथ ही साथ तीसरा वो आपके घर के नजदीक है कि नहीं ये देखते हैं। तो आपको मैं इसीलिए पूरा डिटेल बता रहा हूं रांची, चेन्नई सभी का, कि कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और लगभग कितना फॉर्म फिल हो चुका है। अभी मेरा डाटा आप लोगों को बताते तक, ये वीडियो आप तक पहुंचने तक, इससे ज्यादा भी फिल हो गया होगा। तो देखिए, आप अपने सोच के आधार पर, अपने घर का नजदीक, लास्ट ईयर का कटअप, पोस्ट कितना है, ये सब देख के भरिएगा, लेकिन एक बार अनुमान जरूर लगा लीजिएगा। मैं कुछ डाटा बताया हूं, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 15 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, एक सीट पे 15 बच्चों को कंपटीशन के लिए बुलाया जाएगा, ये बात आप याद जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कम सीट वाले जगह पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो लोगों का दोस्तों, ठीक है, उनका तैयारी भी ज्यादा है, लेकिन दूसरे के मुकाबले, दूसरे जोन के मुकाबले अगर कंपटीशन की हम बात करते हैं तो इन जोन में थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, लेकिन तैयारी थोड़ा बेहतर लेवल का थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं,
अपने घर के नजदीक वही लोग कहते करते हैं जो तो ऑलरेडी एक तो जॉब में हो, एक अच्छा फैमिली का हो, एक जिनका तैयारी बहुत अच्छा हो, वही लोग अपने घर के नजदीक वाला रेलवे में नौकरी के लिए ट्राई करते हैं। बाकी सब जो जैसे कि गरीब हो या वो सबका सोच क्या रहता है, गरीब जैसे हम लोग कहीं पे फैमिली है, वो लोगों का सोच क्या है कि कहीं पे मिले एक जॉब मिल जाए। लेकिन जो रिच फैमिली जो या तो ऑलरेडी जॉब में है या तो रेलवे में ही नौकरी कर रहा है, अपने घर के नजदीक आना चाहता हो, ऐसे ऐसे या तो जो कोचिंग कर रहा हो एकदम सालों से, 5 साल से 6 साल से, वो सबका यही रहता है कि मुझे घर के नजदीक जॉब मिल जाए, तो वो लोग ऐसे जगह फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, मैं सच्चाई बता रहा हूं और बाकी लोग सब दूर दराज जाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा अपना स्तर देख करके। ठीक है, क्योंकि बाद में जो आरआरबी है ना दोस्तों वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बात आप सभी को सोच समझ करके फॉर्म फिल करना है, बाकी तो आप सभी समझदार ही हो दोस्तों। तो ठीक है, अब चंडीगढ़ में लगभग 38,000 के आसपास फॉर्म फिल हुआ है 66 सीट के लिए। गोरखपुर का डाटा मेरे पास नहीं है दोस्तों, गुवाहाटी में आपका बता दूं 38,000 इसमें भी फॉर्म फिल हुआ है दोस्तों लगभग। जम्मू में 34,000 के आसपास हुआ है दोस्तों। मुजफ्फरपुर में आपका 16,000 सबसे कम यहीं पे हुआ है। पटना में 21,000 के आसपास, सिलीगुड़ी में 28,000 के आसपास और त्रिवेंद्रम में 32,000 के आसपास फॉर्म फिल हुआ है। तो एक बार देख लीजिएगा। और देखिए दूसरा एक सेप जो आता है ना दोस्तों वो तिरुवनंतपुरम, क्योंकि देखिए एक चीज मैं बता दूं, बहुत ही कम बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं कहां से, त्रिवेंद्रम से। साउथ वाले, केरल वाले उतने ज्यादा कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में प्रीफर नहीं करते, वो सब बाहर विदेश जाने के, दुबई जाने के चक्कर में रहते हैं। तो अगर आप फिल करना चाहते तो हो सके तो एक बार त्रिवेंद्रम के बारे में विचार कर लीजिएगा तिरुवनंतपुरम में, क्योंकि देखिए सबका ध्यान ये ज्यादा पोस्ट की तरफ है, ये रांची चेन्नई, ये चंडीगढ़ गोरखपुर गुवाहाटी श्रीनगर पटना सिलीगुड़ी, ये सब किधर हो जाता है, अपना नॉर्थ साइड में पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो तिरुवनंतपुरम है ना ये साउथ साउथ साइड में पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे सीट की संख्या देखिए 80 है। ठीक है, बाकी सभी जगह 1,000 100 के ऊपर है या 100 के 50 से नीचे है, यहाँ पे 80 है। तो देखिए एक बार सोच लीजिएगा तिरुवनंतपुरम में, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट अभी उधर रुचि नहीं ले रहे हैं। और त्रिवेंद्रम का जहां तक डाटा आया दोस्तों बहुत कम बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, 32,000 के आसपास फॉर्म फिल हो चुका है। तो एक बार देख लीजिएगा इस लेवल में, और 1,050 बच्चों को त्रिवेंद्रम में बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम CBT 2 के लिए। ठीक है, इस प्रकार से मैंने सभी जोन का आप सभी के सामने डाटा ला करके रख दिया दोस्तों। ठीक है, अगर आप डाटा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन किए हो तो मुझे शेयर करना चाहते हो तो जरूर मेरा जीमेल आईडी में शेयर कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका आईडी मिल जाएगा, क्योंकि देखिए इससे आप ही लोगों को लेटेस्ट डाटा प्रोवाइड करने में मदद मिलेगा। दूसरा चीज दोस्तों, किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट विश्वास नहीं करेंगे, तो जो विश्वास नहीं करेंगे ना उनके मामले में अगर जैसे कि बिलासपुर जोन में 1,00,000 फॉर्म फिल किया है तो आप लोग उसी के हिसाब से कंपटीशन की तैयारी कीजिए, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि अगर आप जैसे कि यहां पे 4,55,000 के आसपास फॉर्म फिल हो चुका है, आप यहां पे अभी के डेट में 5,00,000 के हिसाब से अगर तैयारी करोगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और अगर आप यहीं पे 50,000 सीट के हिसाब से तैयारी करोगे तो कहां से सिलेक्शन होगा। इसीलिए हमेशा थोड़ा सा ज्यादा सोच करके ही चलो, क्योंकि देखिए वैकेंसी अपने यहाँ पे कम आने वाली है, अभी जितने भी भर्ती आ रही है सब कम आ रही है और कम आ रही है, और उसमें भी आप सोचोगे हमको नौकरी नहीं लेना है, हमको कम सीट के लिए तैयारी करना है, यहाँ पे कंपटीशन कम है, तो फिर भैया आप बहुत बड़े पानी में हो। क्योंकि देखिए अभी मतलब ज्यादातर कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि एक सरकारी पक्की नौकरी, कोविड के दौरान क्या हुआ था पता है ना प्राइवेट नौकरी वालों के साथ। ठीक है, तो इसीलिए सब सरकारी नौकरी प्रीफर कर रहे हैं। दूसरा चीज ये हो जाती है दोस्तों कि मतलब एक परमानेंट आपका इनकम का साधन हो जाएगा। दूसरा सरकारी होता है दोस्तों, रेलवे जैसा जॉब है। ठीक है, और अभी बेरोजगारी का दर इतना है आप सभी को पता है ना, पढ़े लिखे बहुत मिल जाएंगे, सरकारी नौकरी वाले बहुत कम मिल जाएंगे। एक प्यून का वैकेंसी निकलता है कितना ज्यादा, लाखों फॉर्म पड़ता है 100 सीट के लिए, तो सोच सकते हो ये रेलवे की वैकेंसी है कितनी फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप तैयारी कीजिए, 50,000 एक्स्ट्रा ही मान के चलिए पूरा सीट का, तैयारी कीजिए तभी होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए अभी रेलवे ने हालांकि एक अच्छा नियम निकाला है कि हर साल वैकेंसी आएगी बोल करके, अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या होता है। लेकिन वीडियो को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर एक प्रकार की वैकेंसी की अपडेट इस चैनल पर मिलती है। आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए
और डेली नई नई अपडेट इस चैनल पर देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि जानकारी कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।